HMD। कभी ये कंपनी भारत में रिस्ट वॉच का सिनोनेम हुआ करती थी, जैसे ठंडा बोले तो कोका कोला, वैसे ही 1960s से 1980s तक रिस्ट वॉच बोले तो HMT का ही नाम आता था। इस दौर में भारत के घड़ी मार्केट में HMT की 90% यानी कि 90% हिस्सेदारी थी। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, जैसे आज किसी बड़ी कंपनी की कार के लिए इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वॉच मार्केट का किंग HMT अपना अस्तित्व तक नहीं बचा सका और अंत में इस कंपनी को बंद करने की नौबत आ गई। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं द डाउनफॉल ऑफ HMT। HMT लिमिटेड की स्थापना 1953 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में किया गया था। HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स हैवी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग में लगी रही। HMT की शुरुआती सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इसके बिजनेस क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला किया और 1961 में HMT के घड़ी बनाने वाली इकाई की स्थापना की। HMT मेनली हैवी मशीनरी में इन्वॉल्व थी, पर वॉच मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रो इंजीनियरिंग की जरूरत थी, जिसकी नॉलेज और टेक्नोलॉजी HMT के पास नहीं था। लेकिन भारत सरकार HMT वॉच बनाने के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड थी। भारत सरकार की इस प्रतिबद्धता को देखते हुए HMT ने जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ में साझेदारी की और 1961 में HMT वॉच कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी का पहला वॉच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेंगलुरु में स्थापित किया गया और ये देश का पहला वॉच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। HMT की ओर से सबसे पहली घड़ी जनता के नाम से लॉन्च की गई थी। इस पहली घड़ी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने हाथों से लॉन्च किया था। HMT कंपनी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी, इसीलिए भारत सरकार ने भी इस उपलब्धि को देश के लिए बड़ी उपलब्धि माना। लॉन्च होते ही जनता वॉच की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी और लोग इस घड़ी को हाथों हाथ खरीदने लगे। अब उस समय मार्केट में मौजूद ज्यादातर घड़ियों के मुकाबले जनता घड़ी अलग और स्टाइलिश होने के साथ ही अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल भी थी, जिसे आम भारतीय नागरिक भी आसानी से खरीद सकता था। ये सारी चीजें HMT के फेवर में गई और देखते ही देखते HMT लोगों की फेवरेट बनती चली गई। जनता घड़ी की कामयाबी के बाद कंपनी ने अलग अलग नामों से और भी कई घड़ी मार्केट में लॉन्च की और ये सभी घड़ी मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ते हुए एकदम ऊपर की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते देश भर में HMT घड़ी की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंपनी का बेंगलुरु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिसे देखते हुए HMT वॉच की 5 फैक्ट्री देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित की गई, जहां पर हर दिन हजारों HMT वॉच का निर्माण किया जाने लगा। HMT अपने वॉचेस के अलग अलग मॉडल को काफी कॉमन एंड रिलेटेबल नेम्स के साथ लॉन्च करती थी, जैसे जनता, तरुण, नूतन, प्रिया, निशांत और कोहिनूर। ये इजी नेम इसलिए दिए जाते थे ताकि ये नाम लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ सके। स्थापना के बाद से ही कंपनी ने जो रफ्तार पकड़ी थी, इसे पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं था। उस समय के टाइम स्टार और अलवियान जैसी कंपनी भी थी, पर HMT के घड़ियों के सामने भारतीय लोग दूसरी कंपनियों की घड़ियों को कोई भाव ही नहीं देते थे। अपने पीक पर पहुंचने पर इंडियन वॉच मार्केट में HMT का मार्केट शेयर 90% था, जबकि बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज का कम्बाइंड मार्केट शेयर सिर्फ 10% ही था। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए HMT अपनी घड़ियों में न्यू फीचर्स भी ऐड करने लगी, जिसमें डिस्प्ले पर डे एंड डेट भी दिखाया जाने लगा। इस नए फीचर वाले घड़ी ने उस समय के युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। इंडिया में HMT की दीवानगी का आलम यह था कि किसी भी बंदे की कलाई में HMT के सिवाय कोई और दूसरी कंपनी की घड़ी नजर ही नहीं आती थी। HMT को इतनी बड़ी कामयाबी उसे अपने प्रोडक्ट्स के बल पर तो मिली ही, लेकिन इस कामयाबी के पीछे उस समय के भारत के इकोनॉमिक पॉलिसीज का भी बड़ा हाथ था। 1970s में इंडियन मार्केट के दरवाजे फॉरेन कंपनीज के लिए लगभग बंद हो गए थे। विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करने की शर्त लगा दी गई थी, साथ ही इम्पोर्ट्स पर हैवी टैक्स भी लगा दिया गया था। अब इस इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद कई बड़ी कंपनियों ने भारत छोड़ दिया था, जिसमें कोका कोला और IBM जैसी कंपनियां शामिल थी। विदेशी कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट के दरवाजे बंद होने की वजह से भारत में HMT जैसी तगड़ी घड़ी बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। उस समय में ऐसी ज्यादातर कंपनियां विदेशी थीं, लेकिन भारत ने इन कंपनियों के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। इस वजह से भारतीय लोगों के पास में HMT के अलावा दूसरा कोई बेटर ऑप्शन था ही नहीं। कुछ कंपनियां थी भी तो उनके प्रोडक्ट्स HMT के मुकाबले काफी महंगे थे, और अगर कीमत HMT के बराबर थी तो फिर क्वालिटी HMT जैसी नहीं मिल पा रही थी। ये सारे फैक्टर ने मिलकर HMT को घर घर में पहुंचा दिया और हर किसी की कलाई में HMT घड़ी ही नजर आने लगी। स्टार्टिंग में ये कंपनी सिर्फ बेसिक हैंडवुंड मैकेनिकल वॉच ही बनाती थी, बाद में कंपनी की ओर से ऑटोमेटिक वॉच और क्वार्ट्ज वॉचेस बनाई जाने लगी। 1960s से 1980s के बीच में HMT ने इंडियन वॉच मार्केट पर एक तरफा राज किया। इस कंपनी की घड़ी की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि 5-5 फैक्ट्री होने के बावजूद डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं हो पा रही थी। एज अ रिजल्ट लोगों को घड़ी ऑर्डर देकर महीनों इंतजार करना पड़ता था। जस्ट इमेजिन द क्रेज ऑफ HMT। एक मामूली सी घड़ी के लिए लोग महीनों तक इंतजार करते थे। लोग अपनी जरूरत के लिए तो इस घड़ी को
खरीदते ही थे, साथ ही साथ ये पॉपुलर गिफ्ट प्रोडक्ट भी बन चुका था। किसी भी खास मौके पर लोग एक दूसरे को इस कंपनी की घड़ी गिफ्ट के तौर पर दिया करते थे। HMT एडवर्टाइजिंग स्लोगन टाइम कीपर्स टू द नेशन के साथ अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती थी। अपने पीक टाइम में ये कंपनी सालाना लगभग 70 लाख घड़ी का निर्माण करती थी। किसी भी रेस का असली मजा तब आता है जब रेस में शामिल अदर कॉम्पिटिटर्स भी तगड़े हो। तभी तगड़े कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए आप अपना बेस्ट एफर्ट देते हो, लेकिन जब दूर दूर तक आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो तब आप थोड़े सुस्त हो जाते हो और आप कुछ नया ट्राई करने के बजाय अपने कंफर्टेबल जोन में ही चलते रहते हैं। HMT के साथ भी यही हुआ। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन ने HMT को आलसी बना दिया। स्टार्टिंग में जब इस कंपनी ने घड़ी बनाना शुरू किया था तब तो ये समय के साथ अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव कर रही थी, लेकिन जब कंपनी को ये एहसास हुआ कि इसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं लोग उसे खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, इस सोच ने HMT को आलसी बना दिया। पूरी दुनिया में क्वार्ट्ज वॉचेस का अलग ही जलवा कायम हो चुका था, लेकिन HMT अब भी अपना मेन फोकस मैकेनिकल वॉचेस पर ही बनाए रखे हुए था। कंपनी ने क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने तो शुरू कर दिए थे, लेकिन मैकेनिकल वॉचेस की तुलना में इसकी कीमत काफी ज्यादा रखी गई थी। लेट 1980s में भारत काफी हद तक बदल चुका था और देश में युवाओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो चुकी थी जिन्हें घड़ी के रूप में कुछ नया और अलग चाहिए था, लेकिन HMT अब भी अपने पुराने मॉडल पर टिकी हुई थी जिस वजह से ये कंपनी धीरे धीरे अपना ग्राउंड खो रही थी। HMT के खोए ग्राउंड पर टाटा कंपनी ने अपनी इमारत खड़ी करनी शुरू कर दी और 1984 में टाटा कंपनी ने टाइटन नाम से घड़ी बनाने वाली एक कंपनी की स्थापना की। टाइटन कंपनी ने युवाओं की जरूरत को समझते हुए मॉडर्न और फैशनेबल क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने शुरू कर दिए जो कि HMT के क्वार्ट्ज वॉचेस से सस्ते तो थे ही साथ ही ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा फीचर्स के साथ भी आते थे। नई पीढ़ी के युवाओं को बस ऐसी ही नई घड़ी की तो जरूरत थी। टाइटन कंपनी ने धीरे धीरे युवाओं के बीच में अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी। टाइटन कंपनी ने अपना पूरा ध्यान क्वार्ट्ज वॉचेस पर बनाए रखा। एज अ रिजल्ट HMT का मार्केट शेयर खिसक कर टाइटन की ओर जाने लगा। आयरोनिकली टाइटन कंपनी को सिर्फ क्वार्ट्ज वॉचेस पर ही ध्यान देने का एडवाइस HMT के ही पूर्व कर्मचारियों ने दिया था जो कि HMT छोड़कर टाइटन कंपनी में आ चुके थे। क्वार्ट्ज वॉच के जमाने में भी मैकेनिकल वॉचेस पर फोकस्ड HMT का ध्यान जब इस ओर गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। टाइटन कंपनी ने अपने मॉडर्न और फैशनेबल क्वार्ट्ज वॉचेस से लोगों का विश्वास पहले ही जीत लिया था। लोगों को समय दिखाने वाली ये कंपनी खुद अपने समय की जरूरत नहीं देख सकी। नतीजतन इस कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। टाइटन ने तो ऑलरेडी HMT को पीछे छोड़ दिया था। 1990s के बाद इंडिया फॉरेन कंपनीज के लिए भी ओपन मार्केट बन गया और इम्पोर्ट भी सस्ता हो गया जिस वजह से देश में और भी कई कंपनियां डेवलप्ड हुई जिनके प्रोडक्ट्स टाइम के अनुसार अप टू डेट होते थे। समय के इस रेस में HMT पीछे छूट गया और कभी 90% मार्केट शेयर वाली ये कंपनी अर्ली 2000 से ही नुकसान में जाने लगी। 2004 में इस कंपनी का नुकसान $1.9 मिलियन था जो 2013 में बढ़कर $3.6 मिलियन हो गया। कंपनी के बढ़ते नुकसान को देखते हुए 2016 में भारत सरकार ने इंडिया के आइकॉनिक वॉच कंपनी HMT को हमेशा के लिए बंद कर दिया। समय की मांग ना समझने की गलती ने HMT को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। लोगों को उसका समय बताने वाली कंपनी को समय ने उसका समय बता दिया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। क्या आप HMT की घड़ी पहनते थे? अगर हाँ तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।